पटना में एक छात्र का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। कॉलेज कैंपस में 15 से 20 हमलावरों ने लाठी डंडों से छात्र के ऊपर हमला बोला, जिसमें उसकी जान चली गई। इस मामले को लेकर पटना में छात्र सड़क पर उतर आए। बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक छात्र को कुछ लोग गिराकर बेरहमी से पीट रहे हैं। दरअसल हर्ष नाम का छात्र पटना लॉ कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी 12 से 15 की संख्या में बेखौफ बदमाशों ने इसे घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि कई लोग हाथ में डंडा लिए कॉलेज कैंपस में घूम रहे हैं। कुछ ने गमछे से अपने चेहरे को ढक रखा है। उसके बाद ये वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक जमीन पर गिरा है। कुछ लोग उसे लात और डंडे से पीट रहे हैं। एग्जाम दे के निकला है, निकलने के बाद हत्या की नीयत से लोग नकाबपोश से वहाँ आए हैं 8-10 की संख्या में, और ये बुलेट पर जैसे ही चढ़ा है उसी मारना शुरू कर दिया है, मार के गिरा दिया है। इस मामले में 12 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। SIG का गठन कर मामले की जांच जारी है। पूरे घटनाक्रम को जो है अभी इसमें अनुसंधान किया जा रहा है सभी बिंदुओं पे, और परिजनों से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात जो भी एविडेंस आएंगे उसके आधार पर जो है फिर हम कार्रवाई करेंगे। रांची में DJ मर्डर कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मर्डर से पहले के CCTV फुटेज में आरोपियों की बाउंसर के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि DJ संदीप मारपीट के वक्त बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है। रांची में DJ मर्डर कांड में नया CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बार के अंदर मारपीट हो रही है। ये तब की तस्वीर है जब बार में 2 गुटों के बीच युवकों की मारपीट हुई थी। वीडियो में देख सकते हैं कि बार में 2 गुट भिड़ गए हैं और मारामारी हो रही है। इसके बाद बार के बाउंसर्स ने कई लोगों की पिटाई कर दी थी। इसके बाद बदला लेने की नीयत से एक युवक ऑटोमेटिक हथियार लेकर बार में पहुंचा और DJ संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक बेखौफ होकर बार में फायरिंग करता रहा, साथ ही गिरे हुए खोखे भी इकट्ठा करता जा रहा था। बार में DJ की हत्या के बाद पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस जोर शोर से तलाशी में जुटी हुई थी। फिलहाल गोलीकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गया से गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिगो की जिस फ्लाइट में आज सुबह बम की खबर फर्जी मिली थी, वो फ्लाइट कई घंटों की देरी के बाद अब वाराणसी पहुंच चुकी है। इसके यात्रियों ने अफवाह के बाद मची अफरा तफरी की आप भी की सुना। फ्लाइट चढ़ने से पहले काम तो भी आगे सब लोगों उतार के चले जा रहा, सबको क्या है कि क्या पता नहीं मालूम क्या है कि मेरा मम 84 ईयर्स है, इनको जो हीरोस से सब आप नीचे रह लीजिए, उनको स्लाइडर पे आ जाएगा बोल के आने के बाद वहाँ कुछ बम है बोल के कौन तो भी बोला बोल के अपन को मालूम है, उतना ही से उतना तक अपन कुछ भी नहीं मालूम। टेक ऑफ होने वाला था लेकिन अचानक उन्होंने अनाउंस किया कि भाई कुछ टेक्निकल इशू है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इमरजेंसी गेट खोला और गेट खोलने के बाद में बोले आपको तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा सब, और पूरे काफ़ी बच्चों को चोट, मुझे भी चोट आई यहाँ पे पूरा, और बच्चों को भी लगा, और कूद के हम किसी तरह बाहर आए। बाद में मालूम चला कि किसी ने अफवाह फुलाई है, क्या है मैसेज आया था कि उसमें बॉम्ब है। दरअसल दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विमान में बम की खबर से लोगों में दहशत फैल गई। अफरा तफरी में लोग विमान के इमरजेंसी गेट से निकलने के लिए छलांग लगाने लगे। एक मिनट में देखिए ये पूरी खबर। दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार थी, लेकिन उससे पहले ही विमान में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। विमान के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जान बचाने के लिए विमान के इमरजेंसी गेट से निकल रही हैं। फ्लाइट में बम होने की खबर के बाद विमान को जांच के लिए एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया। QRT मौके पर पहुंची, सभी यात्रियों को आपातकालीन गेट से बाहर निकाला गया। जांच के बाद पता चला कि बम की खबर अफवाह थी। बाद में पता चला कि दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट CE2211 के शौचालय में एक टिश्यू पेपर मिला, इस पर बम लिखा हुआ था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की लेकिन यह अफवाह निकली। पिछले 14 दिनों में दूसरा ऐसा मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से वडोदरा जाने वाली फ्लाइट को रोक दिया गया था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट के शौचालय में एक टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ मिला था। इसके बाद हड़कंप मच गया था।
पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पहले ब्लड सैंपल के नाम पर धांधली की गई, अब पुलिस ने और बड़ा एक्शन लेते हुए ड्राइवर को हादसे के बाद जिस कार में ले जाया गया था वो कार भी जब्त कर ली है। पुणे कार हादसा मामले में पुलिस ने ड्राइवर गंगाराम की कार जब्त कर ली है। दरअसल ड्राइवर ने नाबालिग के दादा पर जबरदस्ती कार में ले जाने का आरोप लगाया था। इसके लिए ड्राइवर गंगाराम को बंगले पर ले गया था। पुलिस ने सारी कड़ियां जोड़ते हुए वो कार जब्त कर ली है। इससे पहले इस मामले में ससून अस्पताल में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को लेकर हुई जबरदस्त धांधली भी की गई थी। पुलिस ने ससून अस्पताल के दो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। इन डॉक्टर्स पर नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट में हेरफेर करने के आरोप हैं। पुणे के कमिश्नर अमितेश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि हादसे के बाद नाबालिग आरोपी के जो सैंपल अस्पताल भेजे गए थे वो उसके थे ही नहीं। खबरों के अनुसार इन दो डॉक्टर्स को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। बदले गए सैंपल में शराब की कोई मात्रा नहीं पाई गई थी, जबकि असली सैंपल में शराब होने का शक है। पुलिस ने सोमवार को आरोपियों के पास से लगभग 3 लाख रुपए कैश बरामद किया। दोनों डॉक्टर्स को 30 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। तो आज शाम कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होना है। इसके लिए बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां की है। रोड शो के रूट में बंगाली संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए चुनावी महाभारत जारी है। पश्चिम बंगाल में आज पीएम मोदी मेगा रोड शो करेंगे। शाम 6 बजे से कोलकाता में रोड शो शुरू होगा। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के रूट में कई जगह पंडाल बनाए गए हैं ताकि पीएम का स्वागत किया जा सके। मोदी के इस रोड शो को बंगाल में 2024 के आखिरी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आज जिस इलाके में मोदी का रोड शो होगा उसी इलाके में कल ममता बनर्जी भी ताल ठोकती नजर आएंगी। 30 मई को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा। पीएम मोदी शारदा देवी के निवास स्थान से रोड शो की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के समय यहाँ पर पहुँचेंगे और वो कोलकाता में उनका जो राजनीतिक जो शेड्यूल है उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचकर मां शारदा को श्रद्धांजलि देंगे। रोड शो के जरिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं। बीजेपी से कोलकाता उत्तर के उम्मीदवार तपस राय हैं, जो कि हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। वहीं टीएमसी से दिग्गज उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से फीस बढ़ाने को लेकर पुलिस ने 20 लोगों को पकड़ा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने अवैध रूप से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल निजी स्कूलों ने अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूली थी और किताबों के दामों में भी हेराफेरी की थी। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने 11 निजी स्कूलों के 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने 11 स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और बढ़ी हुई फीस को अभिभावकों को वापस करने का निर्देश दिया है। स्कूल का मैनेजमेंट है और बुक डिपो है और साथ में पब्लिशर्स हैं, इनका एक्सेस है जिसमें फर्जी किताबों का संचालन करना और अनधिकृत फीस वृद्धि करना, ये लगातार कार्रवाई की इसकी जांच चल रही थी और आज FIR करके सब कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक 81.30 करोड़ रुपए की फीस गैर कानूनी तौर पर वसूली गई थी। DM का कहना है कि बढ़ी हुई फीस रिटर्न करने के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही स्कूलों पर 22 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। किताबें हर साल बदली गई, फर्जी ISBN वाली किताबें दी गई। आपने एक कॉकस बनाया है, आपने एक मोनोपोली बनाई कुछ पुस्तक विक्रेताओं के साथ और प्रकाशकों के साथ। असम में रेमल तूफान के असर से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल रही है और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। पानी का तेज बहाव और पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क, ये तस्वीर है असम के दीमा हसाओ की, जहां पर रेमल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। रेमल तूफान की वजह से असम के दीमा हसाओ इलाके के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज बारिश की वजह से पानी का बहाव कितना तेज है और पानी के बहाव की वजह से सड़क टूटकर बह गई। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क के पास बन रहा पुल भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। रेमल तूफान की वजह से इन इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और सड़क के टूट जाने से गांवों का आपस में संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पानी का तेज बहाव देखकर लगता है कि मानो किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए। सिमलिंग नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि वो कभी भी रेलवे पुल की पटरियों को छू सकता है। रेमल की वजह से कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से घरों और छतों में भी पानी भर गया है। लोगों को रहने और खाने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि राज्य सरकार तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट पर है।
Z News.